एवरीवन, हैप्पी संडे। तो मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे नए से व्लॉग में। तो आज संडे है तो संडे का व्लॉग तो आएगा ही और बनेगा ही। तो देखो संडे अभी सुबह सुबह बारिश वाला मौसम हो रखा है, बहुत ही प्यारा सा सुहाना सा मौसम हो रखा है। अभी बजे है 7 बट बहुत ही गजब का माहौल है। तो सुबह सुबह देखो नहा धो के रेडी हो गए है। तो अभी मुझे करना है एक काम, चलो मैं कर लेती हूँ। और मुझे ये काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके बिना मेरा दिन अभी अधूरा है। चलो हो गया। तो फ्रेंड मैंने आपको जो ब्लैक हेड है व्हाइट हेड है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो क्या आपने देखा कि नहीं? बहुत ही प्यारा सा और बहुत बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आप जरूर से देखिए मेरे चैनल पे, और नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो वहां से जाके देख लीजिए। तो चलिए अभी हम सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, क्योंकि नहा धो के अभी ही आए हैं। तो पूजा कर लेते हैं। तो फ्रेंड मेरा डेली का मॉर्निंग का रूटीन यही रहता है, सुबह नहा धो के पूजा करके ऐसे ही थोड़ा सा वार्म वाटर पी लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी आप सुबह सुबह सबसे पहले आप वार्म वाटर यानी कि थोड़ा सा गुनगुना हुआ गर्म पानी पी लेते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिक है वो डिटॉक्सिक हो जाते हैं। जो भी गर्म पानी हमारे स्टमक के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जो वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसमें आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। अभी मेरे पास फिलहाल लेमन जूस नहीं है, इसीलिए मैं अभी ये वाटर पी रही हूँ। तो बाकी तो डेली में लेमन जूस ऐड करती रहती हूँ, तो आप भी चाहे तो ऐड कर सकते हो। इससे क्या कि हमारा वेट लॉस भी कंट्रोल होता है और बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से मैंने अभी चाय बंद कर दी है। अभी तो चाय अवॉइड करती हूँ क्योंकि शुगर बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि शुगर से बहुत सारी बीमारियाँ होती है, आपको पता ही होगा। तो इसलिए अभी तो मैंने चाय अवॉइड कर रही हूँ। अभी तो सुबह सुबह ये से गुनगुना हुआ गर्म पानी और जो लेमन जूस डाल के पीती हूँ। तो ये ऐसी तरह से धीरे धीरे से ही घूंट घूंट लेके ही पीना चाहिए। तो आज संडे है तो देखते हैं क्या बनाएंगे, क्योंकि देखते हैं कुछ मन होगा तो हम बना लेंगे नाश्ते में। और जो खाना है तो आज मेरी इच्छा है कि मैं आज चाइनीज फ्राइड राइस बनाऊंगी। तो जो भी मैं बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। ओके चलिए अभी थोड़ी देर के बाद में। तो चलिए अभी फिर फ्राइड राइस बना देते हैं। तो फ्राइड राइस कैसे बनाना है मैं आपको, तो फ्राइड राइस कैसे बनाना है वे मैं आपके साथ शेयर करूँ। बासमती राइस ले लेंगे, अभी हम उसमें नमक ऐड कर लेंगे टेबल स्पून जितना। थोड़ा सा ऑयल आपके पास घी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। देख लीजिए हमारे चावल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अभी हम उसमें जो भी एक्सेस वाटर है वो रिमूव कर देंगे। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए जो भी मेरे पास अभी जो जो वेजीज पड़ी है वो सब मैं अच्छे से कट कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से अभी कहीं बाहर नहीं जा सकते, इसलिए मैं मेरे पास जो भी अभी वेजीज अवेलेबल है वो सभी वेजीज को मैं अच्छी तरीके से कट कर लूँगी। हमारी सभी वेजीज अच्छे से चॉप हो चुकी है, तो चलिए अभी बनाते हैं हम। आपको एक पैन लेना है, पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे।
ये 3 से 4 लहसुन की कलियां है जो आपको बारीक करना है। और फिर बाद में हम उसमें सारी जो भी हमारी वेजीज है वो ऐड कर लेंगे। कर लेंगे सोया सॉस और विनेगर, उसमें थोड़ा ही आपको डालना है। उसमें राइस ऐड कर लेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। हमारा चाइनीज फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं, देख लीजिए गर्मा गर्म। आज देखो मौसम कितना सुहाना सब पीछे हो रखा है, आप देख लीजिए। तो अभी शाम के बज गए 6:30 और अभी एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा हो रखा है। तो फ्रेंड चलो संडे का व्लॉग आज यहीं फिनिश करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। तो आपके वहाँ भी अभी मौसम कैसा है वो जरूर बताना। और जो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट वाला लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो है तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।